العهيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانذر إن شان الأمر صدق العهد. जी आप लोग बहुत शुक्रिया बहुत मजल है आप लोग तकलीफ थी बहुत शार्प और इस पर याद तशरीफ लाई पिछले एक साल से जैसा कि आपको पता है हम काम कर रहे हैं एजुकेशन में मिनिस्टर साहब और मैं और नयान बोलूँ एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे इंटरवेंशन हमने स्टार्ट की तो ये भी मकसूद था कि आपसे हम बिलमुशाफा में और अब तक हमने क्या किया है क्या करने जा रहे हैं क्या इंटरवेंशन हैं और उस बारे में आपको हम अपडेट करें और आपसे यकीनन बहुत सारे सवाल भी आपके जहन में हैं एजुकेशन के हवाले से हम ये भी चाह रहे हैं कि वो सवाल भी हम क्लियर करें और ये एक फैक्ट है प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओवरऑल टोटल मीडिया इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के चार पिलर्स है उसमें से एक मीडिया है तो मीडिया की बहुत बड़ी अहमियत है ये हमारे आंखें भी हैं हमारे कान भी हैं और यकीनन आपको लोग सुनते हैं आपको पढ़ते हैं आपसे सीखते हैं हम भी आपसे सीखते हैं तो एक ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि आपसे एक गैदरिंग हो और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अब तक कितना काम हमने किया है क्या इंटरवेंशन हैं और जितने आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी हम क्लियर कर देंगे आप लोगों का बहुत शुक्रिया मैं गुजारिश करूँगा मशीर तालीम जनाब मोहम्मद खान लड़ी साहब से कि वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो भी प्रोग्रेस है वो शेयर करें आपके साथ शुक्रिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सबसे पहले आप लोगों का मेहरबानी कि आप लोग यहाँ पे आए क्योंकि एजुकेशन के हवाले से मेन मकसद जो हमारा यही था कि मौजूदा गवर्नमेंट को बने हुए 14 माह गुजरे हैं कि हमने एजुकेशन में क्या असलाहत किए हैं क्या क्या लाए हैं वो आप लोगों के सामने हम रखें और ताकि यहाँ पे मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया है आपका प्रिंट मीडिया है अखबारात है जो भी हैं मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे गर्दिश कर रहे हैं ताकि हम आपसे बैठ के वो चीज़ें आपको बताएं वो आप हमें सुने हम आपको सुने तो इस हवाले से जो हमने अभी एक अपना रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो हमने पहले बनाया था उस पर हमने काम भी शुरू किया गया है और टोटल हमारे इस वक्त तकरीबन नॉन टीचिंग के 3600 पोस्टें हैं और वहाँ पे तकरीबन 70,000 लोगों ने अप्लाई किए हैं और वहीं पे तकरीबन 80% जो है काम मुकम्मल हो चुका है उस पर बकाया 20% ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट रहते हैं जो उनके अभी तक काम उस पर हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं इस रिक्रूटमेंट कमेटी में DC हमारा चेयरमैन होता है ट्रेजरी ऑफिसर उसका मेंबर होता है एक DO उसका मेंबर होता है और यहाँ पे दो जो हैं डायरेक्टर से हमारे एजुकेशन के इसके मेंबर होते हैं इसके साथ साथ तकरीबन इस वक्त तक हमने ऐसी जो हमारे नॉन टीचिंग के हैं 3 इज़रा के हमने बिल्कुल उनको ऑर्डर भी जारी किए हैं आपका कोटिया है आपका केच है नसीराबाद है इनको वो ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं और उन्होंने अपने काम भी शुरू किए हैं और दूसरों के भी तकरीबन हमारे पास पहुंच चुके हैं जो एक कमेटी हमें भेजता जाएगा हम यहाँ पे उनको जांच पड़ताल करके और यहाँ पे सेक्रेटरी साहब की सरबराही में डायरेक्टर की उसको देख के फिर हम उनको इशू कर रहे हैं उनके भी ऑर्डर्स और इसके साथ साथ तकरीबन 9,600 के करीब हमारे टीचिंग के भी हैं जो CTSP के ज़रिए टेस्ट इंटरव्यूज वगैरह टेस्ट हमारे हो रहे हैं इसमें हमारे तकरीबन 3 जो हमारे डिवीज़न हैं उनके टेस्ट वगैरह हो गए हैं तकरीबन उसके रिज़ल्ट भी आउट हो चुका है और इसके अलावा भी हमारे एक डिवीज़न नसीराबाद का भी हो चुका है और सिब्बी पे भी अभी उस पर काम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इस पर जो हमने अभी इसके अलावा तकरीबन हमारे और भी डिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं जिसमें डिवीज़न है हमारा योग डिवीज़न है
और कोटा डिवीजन इस पे भी जैसे शेड्यूल आता है हम उस पे ये अपने वो शेड्यूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन हमारे यहाँ 2200 के करीब हमारे एसएसटी टीचर्स हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हमें भर्ती होने जा रहे हैं, और उसमें फीमेल का था उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं और मेल का उस पर अभी तक रिज़ल्ट उनका नहीं आ रहा है। जैसे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एक कहा जाता है कि बलूचिस्तान में वो अक्सर जो हमारे स्कूल बंद हैं या ये चीज़ें कह रहे हैं, तो क्योंकि असातिज़ा की कमी है, जैसे ही हम यहाँ पे हमारे अभी ये रिज़ल्ट जो आ जाएंगे एसएसटी के, वहीं पे जो कमी है असातिज़ा की, इंशाल्लाह ताला इसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमने तालीम में इस्लाहात लाए हैं। हमने तकरीबन बलूचिस्तान स्पेशल लाजमी एजुकेशन सर्विस जो बिल था, मेन चीज़ जो हमारा था, हमने वो भी असम्बली से पास किया है। और इसके अलावा जो तकरीबन हमारे एक क्या एजुकेशन फाउंडेशन का था बिल, वो भी हमने अपने यहाँ पे कैबिनेट से असम्बली से और उधर से पास किया है, अपना असम्बली से पास किया है। और इसके अलावा हमारे जो इंटरमीडिएट बोर्ड्स के एक एक्ट था उसको भी हमने पास किया है। 1970 के एक्ट के मुताबिक सिर्फ हमारे साथ एक बोर्ड ऑफिस हुआ करता था, अभी इंशाल्लाह ताला जैसे हमें यहाँ पे ज़रूरियात होंगे हम इंशाल्लाह ताला वही बोर्ड ऑफिस यहाँ पे डिवीजन सतह पे या डिस्ट्रिक्ट सतह पे और भी बना सकते हैं। और इसके अलावा तकरीबन 32 और इसके अलावा जो हमारे एक प्राइवेट जो एजुकेशन फाउंडेशन बिल था वो भी तकरीबन हम असम्बली से जो हमारे कैबिनेट से 4 जो हमारे बिल थे हमने सारे अपने पास किए हैं, वो भी आप लोगों के पास जो हमने रखे हैं इंशाल्लाह आप उसको देख लें। और इसमें हमारे जो रिक्रूटमेंट में 32 साल से जो हमारे सर्विस रूल नहीं बने थे हमने वो भी अभी बनाए हैं। और इसके अलावा हम CM इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत तकरीबन ज़िला हेडक्वार्टर्स माने पूरे जितने जो हमारे बलूचिस्तान में हैं 100 हाई स्कूलों को मॉडल हाई स्कूल का दर्जा दे रहे हैं। और इसके अलावा तकरीबन इनकी तामीन लागत है 983 मिलियन। और इसका टोटल तकरीबन 3128 मिलियन लगभग आ रहा है। तकरीबन 740 जो हमारे इसके अलावा 740 जो हमारे हैं वाश के प्रोग्राम है जहाँ पे टॉयलेट जो सहूलियत नहीं थे पिछले 5 साल से वो पैसे रिफ्लेक्टेड थे PSDP में, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा था। मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इस पर काम शुरू किया, इस वक्त तकरीबन 740 पे काम हो रहा है और मजीद जहाँ पे ज़रूरियात होंगे और वहीं पे भी हम उनको उनके PC1 सबमिट करके उनको भी दे रहे हैं। और इसके अलावा तकरीबन 200 के करीब हमारे जो है प्राइमरी स्कूल टू मिडल उसको भी हमने उनका दर्जा दे रहे हैं, वो भी CM इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं। और इसमें इसके अलावा तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूशन में हम तकरीबन 4 के करीब जहाँ पे शटरल स्कूल हैं उसको बनाने जा रहे हैं CM इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत, वो भी आए हमारे। और इसके अलावा तकरीबन 180 मिलियन के करीब जहाँ पे असातिज़ा नहीं थे स्कूल में नहीं थे गैरहाजुर थे और हमने उनके डिडक्ट किए हैं और कौमी ख़जाने में उनके जमा कराए हैं जो इस वक्त और इसके अलावा बहुत से चीज़ें हैं जो हमारे जहाँ पे रियल टाइम सिस्टम है हमारा, वो भी ऑलरेडी उस पर जाँच पड़ताल भी कर रहा है मुख्तलिफ स्कूलों में जहाँ पे असातिज़ा नहीं है। तो मेरे ख्याल आप पहले भी मैं तो देख रहा हूँ कि अक्सर मैं जहाँ पे जाता हूँ तो स्कूल में बिल्कुल वही कमियाँ पेशी होंगी जो 70 साल से हमने पूरे नहीं किए हैं, अभी 1 साल में ठीक करने में तो हमें उसके वक्त लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला अच्छाई भी हो रहा है, कमी पेशी है, हम इसको भी दूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सबसे बड़ा सेक्टर है पब्लिक सेक्टर है सोशल सेक्टर में हिंदुस्तान में, हमारे कोई 75 डिग्री
75 पॉजिटिव एम्प्लॉइज है और हम फैसिलिटीज की बात करते हैं तो 1450 रूम की फैसिलिटीज है। यकीनन बाज रूम पे इश्यूज है, जैसे कि एडवाइजर साहब ने बताया पिछले 4 सालों में कोई इंडक्शन नहीं हुई है। और अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो 1% अगर आप रिटायरमेंट रेट ले भी 75,000 लोगों की ये 1% के हिसाब से भी रिटायरमेंट हो तो मंथली कई केसेस मेरे पास आते हैं रिटायरमेंट के। और एक अलमिया ये है कि हमारे 5,000 के करीब स्कूल्स मल्टी ग्रेड को हम बोलते हैं सिंगल टीचर स्कूल्स है। सिंगल टीचर का मतलब ये है कि अगर कोई रिटायर हो जाता है या छुट्टी पे चला जाता है तो वो वहाँ पे यकीन एक फीलिंग होती है लोगों में किसी वहाँ पे टीचर लेकिन टीचर अवेलेबल नहीं होगा। उस पर भी हमने काफ़ी काम किया है, हमने थ्रू रेशनलाइजेशन एक अच्छी खासी तादाद हमने स्कूलों की हमने फंक्शनलाइज की। और जैसा कि एडवाइजर साहब ने बात की, एक हमारा इशू था एब्सेंटिज्म का, एक हमारा सिस्टम चल रहा है जिसको RTSM हम बोलते हैं, रियल टाइम स्कूल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये एग्जिस्ट कर रहा है। पहले के गवर्नर ड्रिवन था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा PSVP में रिफ्लेक्टेड है 200 मिलियन के एलोकेशन के साथ। इसको हमने अडॉप्ट किया है और इस मॉनिटरिंग के थ्रू कोई 180 मिलियन से प्लस हमने पैसा डिटेक्ट करा के हमने गवर्नमेंट सेक्टर में जमा कराए हैं। ये भी हमने थ्रू एक हमारा एक अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिसको डिस्ट्रिक्ट के DC साहब लीड करते हैं, ये प्रोसेस के थ्रू एक मैकेनिज्म के थ्रू इनकी मॉनिटरिंग करने के बाद हमने ये सारा वो किया है। एक हमारा जैसा कि मिस्टर साहब ने बताया रिक्रूटमेंट के हवाले से बहुत सारे खबरें चल रही है, बहुत सारे इशूज लोग हाईलाइट कर रहे हैं, ये हम शेयर करना चाह रहे थे क्योंकि आप सारे माशाल्लाह से मजाक लोग हैं, हमारे पास नोटिफिकेशन भी कोई ये एक वेग अंदाज में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। जहाँ तक नॉन टीचिंग का तरीक़ेकार है, ये उनको 34 साल के बाद से सर्विस स्कूल हमने फ्रेम किए और बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू ये अप्रूव हुई और विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट के सारे पोस्टों को हमने रिटायर की ताकि स्कूलों में हम इस डेफिशन को दूर करें। पहले ये ब्लेम लगता रहा कि जी मतलब एक डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट कर रहा है वो उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। इस दफ़ा बिल्कुल हम इम्पार्शियल रहें, जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हमने ये ट्राई की, हमने ये कोशिश की, ये प्रपोजल कैबिनेट ने अप्रूव किया कि जी इसको डिप्टी कमिश्नर सावान करेंगे, बाकायदा वहाँ पर ट्रेजरी ऑफिसर भी उसका मेम्बर है, हम यकीन हमारे एजुकेशन के लोग उसमें हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोऑर्डिनेशन ऑफिसर का रोल अदा करता है उसमें और जितना वहाँ पे प्रोसेस होता है वो DC को असेस करता है। तो एक डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस है वो एक आप देख लें उसकी एक अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कहें कि जी दैट्स द ओनली इंस्टीट्यूशन जो पूरा डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है, तो उसकी अपनी एक वर्थ है, उसकी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इतना क्वेश्चन दूसरे डिपार्टमेंट में हम रेस कर सकते हैं, DC के ऑफिस में हम रेस नहीं कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मिनी कमीशन का हैसियत रखता है हमारे लिए और जितना रिक्रूटमेंट अभी होता रहा है उसमें डिप्टी कमिश्नर इज द चेयरमैन। और रिक्रूटमेंट के हवाले से मैं गुजारिश करूँ, अभी कल कोई एक न्यूज़पेपर में खबर मैंने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि जी 222 के करीब लोग पंजाब से और सिंध के लोग इस डिपार्ट। ये सर आप सोच लें वो कौन सा डिप्टी कमिश्नर होगा कि अपना सर्विस को दाव पे लगा के 222 लोग पंजाब और सिंध से कैंडिडेट ला के यहाँ अपॉइंट करें, इज इट पॉसिबल? या कौन सा सेक्रेटरी ये रिस्क लेगा कि वो 222 लोग सिंध और पंजाब के डोमिसाइल होल्डर को यहाँ अपॉइंट करें? तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊँ एक तरीके का तहत होता है, पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, DC ऑफिस में एप्लीकेशन जमा किए गए, DC ऑफिस ने बाकायदा इन एप्लीकेशन को
along with the staff of the education department मिलके उनकी सिक्योरिटी की और यकीनन ये जो हमारे जितने non teaching staff के पोस्ट हैं इसमें हमारी एक कोशिश ये थी कि मुतलका विलेज के लोगों को कंसीडर किया जाए और उससे बढ़के हमारी ये कोशिश थी कि जिन लोगों ने जमीन दी है तो ज़्यादा उनका हक बनता है बेशक वो उनकी ऐसे राइट को क्लेम नहीं कर सकते हैं अंडर द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेकिन क्योंकि क्लास फोर का एज सच कोई अगर आप देख लें कोई बड़ा क्राइटेरिया तो नहीं है कोशिश हमारी ये थी कि वहाँ के लोगों को हम अकोमोडेट करें ताकि वो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसके बाद दूसरा इसका जो वो आ जाता है नंबर है रिक्रूटमेंट कमेटी के द्वारा ये सारा डिटेल के सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्रूटमेंट कमेटी के सामने गए हैं दैट इज लेड बाय द डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने फर्दर इनकी थ्रो रिक्रूटमेंट कमेटी से फरमाइश की फिर ये इनका मेरिट लिस्ट बना मेरिट लिस्ट हमारे डायरेक्टर में फिर हमने एक हमने फिल्टर लगाया है एट द लेवल ऑफ द डायरेक्टर डायरेक्टर साहब जो है फिर कुछ इनकी सिक्योरिटी करता है उसके बाद कंपाइल करके सारा सेक्रेटरी को भिजवाता है फिर यहाँ फर्दर हमने एक अंडर सेक्रेटरी के अंदर एक और कमेटी बनाई है तो हमने कोशिश की है कि इस प्रोसेस को 100% अरब शेप बनाए ये हम आपको बताना चाह रहे थे तो आपसे सिर्फ हमारी गुजारिश ये है कि आप में एक बहुत बड़ा सदका जारिया है लोग जॉबलेस है अगर इस तरह के क्वेश्चंस हम डाउट्स पैदा करेंगे लोगों को माइंड में एक तो ये कि ट्रस्ट डेफिसिट होगा और दूसरा फिर कोई ऑफिसर रिस्क नहीं लेगा कि वो इस काम को कंप्लीट करे तो आप मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ हमेशा नहीं आप मैं को देखें आप बिल्कुल ये अगर 222 लोग है जो सीएमएसओ क्लेम किया है अगर इसके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप हमें एविडेंस दें मुतल्लिका लोगों को यकीन उनके खिलाफ कार्रवाई होगी ये बहुत बड़ा स्कैम है अगर इतने लोग अपॉइंट होते हैं अगर नहीं है तो फिर आप हमसे कम से कम वेरीफाई तो करा लें जहाँ तक मेरा ताल्लुक है यहाँ मेरे बहुत दोस्त और अजीज और भाई अकारे बैठे हैं और जब भी मैंने कोई इंफॉर्मेशन को कन्वे किया है मैंने ऐलान के अंदर नोटिफिकेशन मैंने कन्वे किया है कभी कोई वेग न्यूज मैंने नहीं भेजी यहाँ आप इस बात की गवाही देंगे मैंने अगर किसी को मैंने शोकास किया है तो शोकास रिपोर्ट भी मैंने कहा दीजिए ये नोटिफिकेशन है ये आर्डर नंबर है ये डेट है इस बंदे का मैं शोकास करूँ ये उस पर चार्जेस है ये एजुकेशन है अगर किसी को मैंने टर्मिनेट किया है तो उसकी भी मैंने ऑर्डर की कॉपी मैंने अपने भाइयों को मैंने डिसमिनेट किया है कभी डिसइंफॉर्मेशन या कभी स्कोरिंग नहीं की है ये हमारी कोशिश रही है तो हम फैक्ट्स की बात करते हैं और जितने चीज़ें मिस्टर साहब ने सवाल ये सब एविडेंस हम आपको दे सकते हैं अगर हम PSVP की बात करें ये सारे स्कीम में रिफ्लेक्टेड है और इन सारे स्कीमों की टेंडर भी हो चुके हैं और अगर हम पोस्टों की बात करते हैं तो वो प्रोसेस आपके सामने है और कई साथी यहाँ जो टीचर स्टाफ का एक प्रोसेस हो रहा है CSVP के थ्रू आप सारे उसको कवर कर रहे हैं और अलहमदिल्ला बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहे हैं अब कोई रिस्क नहीं लगा कि अगर एक सेक्रेटरी वहाँ सुपरविजन कर रहा है डिपार्टमेंट का हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिले हर ज़िले पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वहाँ जा रहा है जो CM साहब ने CS साहब ने बाकायदा उनको नोटिफाई किया है वो जाके पूरा मॉनिटर कर रहा है प्रोसेस को और हर क्वेश्चन पेपर पे साइन भी कर रहा है सिर्फ वो नहीं वहाँ का डिप्टी कमिश्नर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ये सारे सेक्रेटरीज हैं उन क्वेश्चन पेपर्स पे बाज अगर ये रूमर्स है कि पोस्टिंग बिक गए हैं अगर पोस्टिंग बिक गए तो लोग फेल क्यों हो रहे हैं फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो पास कैंडिडेट्स की तादाद है वो बहुत लिमिटेड है क्या फेल होने के लिए लोग पैसे देते हैं ये कॉमन सेंस की बात है तो ये आपसे गुजारिश थी कि हम वी आर ऑलवेज डियर व्हाट्सएप पे वैसे मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ आप बिल्कुल खबरें दें आप आपको मना नहीं कर रहे हैं लेकिन आप ज़रूर हमसे एक दफ़ा वेरीफाई कर लें कि आया ये रिकॉर्ड हम दे रहे हैं ये दोस्त है अगर हम कोऑपरेशन नहीं करें आपके साथ फिर तब आप कोई फिक्र कोट कर सकते हैं तो ये एक नेशनल काज है खुदा न खास्ता अगर ये सारा प्रोसेस को ये सारा प्रोसेस क्वेश्चनेबल बनता है
आप खुद अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी लॉस होगी। हमारे ये कोई 9600 के करीब टीचिंग के लोग हैं, जैसा कि एडवाइजर साहब ने बताया, और 2200 के करीब हमारे SST के पोस्ट हैं, तो पब्लिक सर्विस कमीशन हो रहे हैं, और इस तरीके से ये नॉन गजेटेड के पोस्ट हैं, और ये टोटल अलहमदुल्ला बना के 16000 के करीब बन रहे हैं। थोड़ा बहुत कमी कुछ इसमें होगा, और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम रहे तो मजीद पॉजिटिव में एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने आपसे गुजारिश की, अच्छी खासी तादाद हमारे लोगों के रिटायर भी हो रहे हैं। अगर मंथली एवरेज आप देखें, साल में भी हमारे 2-2.5 हज़ार के करीब लोग रिटायर हो रहे हैं, तो मजीद इंशाल्लाह पोस्टें आएंगी, मजीद लोगों को जॉब्स मिलेंगे, और ये जैसा कि हमारा एक टारगेट है, विजन है, कि हमने स्कूलों को बेहतर बनाना है, हमने स्ट्रेंथन करना है, हमने इनकी स्टाफिंग की कमी पूरा करना है, ये सारे इंशाल्लाह आपके दावों से करेंगे। और यही आपसे गुजारिश थी कि आपने हमें हेल्प आउट करना है इस नेशनल क्लास के लिए, और अगर ये रिक्रूटमेंट्स नहीं होंगे, ये बच्चे इसी तरीके से डिप्राइव रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जो आपके जहन में क्वेश्चन है, यू आर वेलकम। एडवाइजर को CM साहब भी बैठे हैं, एडवाइजर और उनके स्पेशल असिस्टेंट मीडिया जयपत शवानी साहब भी बैठे हैं, हम यहाँ हैं आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे। शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे शुरू में जो हमने जितने जो हमारे पोस्ट हैं, हमने एक टेंडर दिया कि कोई भी फर्म आए इस पर अप्लाई करे, तो यहाँ पे बहुत से 2-3-4 फर्म उन्होंने अप्लाई किया ये, लेकिन इसमें जो सबसे कम रेट CTSP ने दे दिया, इस पर जो उसने अप्लाई किया अभी इस पर वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। देखिए, आपने मैंने जैसे पहले बताया कि आपके 3 जो डिवीज़न के रिज़ल्ट आउट हुए हैं, आप उसमें देखें कि कितने बच्चे कितने परसेंट पास हो गए हैं, वो आप लोगों के सामने आया है, तकरीबन मेरे ख्याल 10% पे बच्चे पास नहीं हुए हैं। हर फिर इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे यहाँ पे जो टेस्टिंग का अमल जो हमारा था, वहीं पे हमारे CM साहब की तरफ से एक टीम भेजा गया, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज भी थे हमारे CM, यानी वो CMIT के जो सेक्रेटरीज थे वो भी गए। हालांकि बिल्कुल उन्होंने उनको चेक किया, उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत किए कि ताकि फिर बाद में भी कोई इस पर रद्दोबदल ना हो। तो अभी हम उसको देख रहे हैं कि मेरे ख्याल 10% या 8% बच्चे पास हो गए। बहुत से पोस्ट हैं हमें कि वो बच रहे हैं, हम दोबारा जल्दी जब से ये अमल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम दोबारा इनको इश्तिहार दे देंगे, हम इंशाल्लाह ताला वो दोबारा उनको फिर हम जहाँ पे जो बच रहे हैं उसको दोबारा हम फुल करेंगे। क्योंकि मेन चीज़ जो आपने पहला सवाल किया कि जो CTSP के ज़रिए जो हायर सेकेंडरी जो मैं सवाल आपने पहला किया कि हायर सेकेंडरी 56 का, हमने इसको अभी बढ़ाया है, 56 नहीं है, तकरीबन ये 100 के करीब हो गए हैं। हमने इनके मौजूदा गवर्नमेंट ने इनके पोस्ट भी अभी क्रिएट किए हैं, तकरीबन इस साल 1056 के करीब जो हमें नए पोस्ट हैं हमारे, ऐसे स्कूल हैं जो हायर सेकेंडरी हैं, पहले भी हैं, अभी जो अभी नए दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने पहले कहा कि ये अमल जो हमारा पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम उनका इश्तार दे देंगे, जो एक असातिज़ा की कमी है हम उसको पूरा करेंगे, जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमारे काम स्टार्ट किए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आवरान में जो हमारे असातिज़ा की कमी है, जैसे मैंने पहले सेक्रेटरी साहब ने कहा, मैंने कहा कि असातिज़ा की कमी है, और स्कूल पहले दौर में सिर्फ वो एक स्कूल बनाया जाता था ना, अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने एक BMS कोड के ज़रिए उसको एक अप्रूवल दे रहा है, फनास के ज़रिए उसके साथ उसके पोस्ट भी हम क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो स्कूल का बिल्डिंग पे हो, पोस्ट पे हो, और हम उसको वहीं पे जो पोस्ट दे दें, अगर इस चार के ज़रिए वहीं पे कोई भी बच्चा आ सकता है, कोई भी बंदा आ सकता है, तो वो जो हमारा कमी है टीचरों का, वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। तीसरा सवाल जो आपने कहा कि निसाब के हवाले से, निसाब के हवाले से हमारे 2-3 मीटिंग हुए हैं इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह ताला हमारा यही मौजूदा गवर्नमेंट का यही विजन है कि हम चाहे हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, मदारस हैं, जो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, वहाँ तक तकरीबन हम यकसा निसाब लाएँ, ताकि इस पर हमारे 2 मिनट इंशाल्लाह ताला हम इसको एक समरी इनका जो हम मूव करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आ जाएगा सुबह के यहाँ, फिर उसको देखेंगे, अगर उस पर हम बहुत से हमारे स्पेशल जो यहाँ पे टीचर्स हैं या उस पर देखेंगे, अगर उसमें कोई भी कमी पेशी या हो तो हम उसको दोबारा दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस पर काम हो रहा है, 2020 में इंशाल्लाह ताला यकसा निसाब तालीम राज होगा। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ आपके प्रश्न को, जैसे
जैसा कि एडवाइजर साहब ने बताया अभी के दौरान 46 नहीं ये 100 प्लस है ठीक हाँ हायर सेकेंडरी स्कूल ये पोस्टों के अलावा एक 1000 मिलियन इस दफा पीएचडी पे रिफ्लेक्टेड है वो जो बेसिक फैसिलिटीज की आप बात कर रहे हैं स्कूल तो हमने हायर सेकेंडरी क्लियर कर दी है और उसमें लैब्स और दूसरे फैसिलिटीज एडिशनल क्लासरूम की जरूरत थी वो इस दफा 1000 मिलियन 1000 मिलियन रिफ्लेक्टेड है उसका पीसी वन अंडर प्रोसेस है इंशाल्लाह 10-15 दिन में अप्रूव होकर वो टेंडर हो जाएंगे दूसरी आवरण के हवाले से आपके पास सुनिए वो एक खबर चल रही है उसमें भी सदाकत नहीं है टोटल मैं आपको डिटेल बता दूँ आवरण में टोटल पोस्टों की तादाद 381 है स्कूलों की तादाद इसमें से 38 स्कूल्स में जैसा मैंने शुरू में आपको बताया ये सिंगल टीचर स्कूल्स है इनके पोस्टें वैकेंट और 95 के एसएनईज अप्रूव हुए हैं उनमें इनके पोस्टें ऑलरेडी एडवर्टाइज हो गए हैं और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट का ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये इंशाल्लाह स्कूल ये स्कूल दोबारा फंक्शनलाइज हो जाएंगे तो टोटल स्कूल ये जो किसी ने रिपोर्ट किया था कि टीचर्स वहाँ पे नहीं है तनख्वाह ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है जो बंद स्कूलों की तादाद है वो 38 है 33 का जैसे मैंने आपको बताया ड्यू टू वैकेंट पोस्ट एंड ड्यू टू न्यू एसएनई वो बंद है 5 इसमें से माइग्रेशन की वजह से बंद हुए हैं तो ये टोटल फिगर है 138 की और टीचरों का जैसे मैंने आपको बताया आप सारे गवाह हैं कि 3000 से ज़्यादा एबसेंट टीचरों के केसेस हमने इनिशिएट किए हैं उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी चल रहे हैं 150 के करीब डिसमिसल भी हुए हैं टर्मिनेशन भी हुए हैं किसी को स्पेयर नहीं कह रहे हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बलूचिस्तान इतने सस्पेंशन इतने एक्शन हुए हैं आप हिस्ट्री उठा के देखें कभी इस तरह का हमने एजुकेशन के खिलाफ क्रैक डाउन नहीं किया है मैं क्रैक डाउन तो खुद ही कहूँगा कि करेक्टर मेजर्स है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं किसी को पीस करना हमारा काम नहीं है लेकिन ये बहसियत है सेक्रेटरी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है अगर ऑन द सरफेस यार्ड ऑफ माय नोज समथिंग इज हैपनिंग हर तो बसा जो चीज मेरे नॉलेज में आता है या मैं इंक्वायर करता हूँ या मैं विजिट करता हूँ उसको हम पिनलाइज करते हैं उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं तो ये जी दिस इज व्हाट द स्टोरी थैंक यू सर मेरी सर सवाल है कि आपने कहा कि कुछ एजुकेशन में पोस्टें हैं वो तो पब्लिक सर्विस कमीशन भर्ती शुक्रिया पहले तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पोस्टें फुल हो रही हैं अपोजिशन की तरफ से ये वावेला शुरू किया गया कि भाई ये इसमें ये चीज़ें हैं पहले तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ बाहर के लोगों को यहाँ पे भर्ती किया हमने कहा कोई सबूत है तो आप सामने लाएँ मेरे ख्याल वो ऐसे बंदे हैं कि शायद मैं कोटा में मैं पैदा भी नहीं हुआ था वो लोग पहले कोटा से आबाद हैं कोटा में आबाद है यहाँ पर तो ये इन चीज़ों में अब मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूँ ये 2008 से ये पोस्टें एडवर्टाइज होते गई फिर जैसे सिट सर ने कहा कि फिर उन पर कोई काम नहीं होता गया 7-8 इश्तहारात आ गए इस पर 7-8 इश्तहारात पता नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ कौन सा जो एक पलंदा था वो दिखा रहे थे असेंबली में या यहाँ पे दिखा रहे थे भाई ये पलंदा इसमें ये चीज़ें अगर उनके पास कोई शवाहद है तो सामने लेकर आ जाएं बिल्कुल हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे चाहे मेरे एजुकेशन का कोई भी अमला उसमें मुलवैस हो वैसे खुद भी बताया कि हमारे पास शवाहद नहीं है देखें जो चीज़ें उनके शवाहद किसी के पास नहीं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं क्या तस्वरात है ना तस्वरात है क्या तो फिर तस्वरात है बहुत मेहरबानी जी गोस्ट बॉयज के खिलाफ भी हम इसी तरह कार्रवाई कर रहे हैं जैसे आपने फरमाया अभी भी 4-5 के करीब हमारे इंक्वायरीज चल रहे हैं सीएमआईटी लेवल पे वो इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ कि जब एक हर चीज़ मटेरियलाइज हो जाए एलिगेशन किसी के हम एक दफ़ा प्रूफ करें उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि गोश्त मुलाजमी के हवाले से कितने अज़ला में हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे 2-3 इंक्वायरीज चल रहे हैं एक हमारा सिटी में चल रहा है एक हमारा कच्ची में चल रहा है ऑलरेडी कमेटीज हमने बनाए हैं और कुछ केसेस हमने सीएमआईटी को भेजे हैं और कोयटा में मैं आपको बताऊँ कोयटा में कुछ अर्सा पहले अगर आपको पता हो कोई 30-40 के करीब लोग डिसमिस हुए थे जो मिसिंग थे ऑन द सरफेस नहीं थे
अभी दूसरा केस आया था पिछली दफा अखबार में शायद आपने ऑब्जर्व किया हो, 100 से ज्यादा टीचर्स को हमने थ्रू अखबार ऑफिसर्स दिए, उसमें से कुछ तो आ गए, जो नहीं आए उनका दोबारा टर्मिनेशन का केस हमारे पास पहुंच गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ और लोग भी डिस्मस हो जाएंगे। तो ये हमारी कमिटमेंट है, इसको किसी बोर्ड के अंदर भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल पिछले अखबार में लोग यहाँ ट्रांसफर होते आए, आपको पता है कि ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू जॉब्स, बहुत सारे फैमिलीज कोयटा में सेटल है, बहुत सारे लोगों के ऐसे जॉब्स है जो बैंक्स में काम करते हैं या सेक्रेटरीट में काम करते हैं जिनके नॉन ट्रांसफरेबल जॉब्स है। तो अंडर वेड लॉक पॉलिसी ज़्यादातर मेजोरिटी फीमेल्स के यहाँ ट्रांसफर हुए हैं अंडर द वेड लॉक पॉलिसी। वो एक मजबूरी भी है, एक पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की, उसमें ह्यूमन फैक्टर भी है कि ऐसा नहीं कि जेन्युइन केसेस के बगैर हमने किसी को यहाँ ट्रांसफर किया, बहुत ज़्यादा मजबूरी भी हमने की है। तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी हम स्टार्ट कर लें। और जो आपने बात की एन जी ओज वाली, वो डिपोर्टेशन इज़ अ राइट रूल, एक चीज़ जैसा को होता है एक पॉलिसी है, ये अंडर द रूल्स है। डिपोर्टेशन पे अगर कोई जाके कोई एन जी ओ ज्वाइन करता है तो रेयर केसेस में वाकई में कंपिटेंट अथॉरिटी, उसमें भी बैन लगा हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी वो सी एम साहब के अथॉरिटी से लोगों का डिपोर्टेशन। ये मुतल्लिका क्लस्टर हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे जहाँ ज़रूरी है, जहाँ चीज़ों की ज़रूरत है वो वहाँ चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं होती है तो दूसरा स्कूल में भिजवाते हैं। मैं मिसाल दूं आपको, फॉर एग्जांपल हर साल पैसे आते हैं इसके मद में, हमारे पास आते हैं फर्नीचर के मद में, ठीक। अगर आप देखा जाए कि आप कहते हैं कि जी नहीं, बराबरी की बुनियाद पे हमें तकसीम करनी है, आपको हर हालत वहाँ पे कुर्सी देनी है, हम इस तरह नहीं करते हैं, हम इसको रेशनलाइज करते हैं। अभी एक क्लस्टर को मिसाल के तौर पर कोई 9 लाख रुपए मिले, उसमें 30 स्कूल है। हमारी कोशिश ये है कि प्रेफरेबली सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्कूलों में हम वो क्लस्टर के ज़्यादा फंड्स वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वो पैसे मिस यूज नहीं होते हैं, मिस अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर इस दफ़ा इस स्कूल फर्नीचर भी, दूसरी दफ़ा हम फोकस करते हैं, पैसे भी लिमिटेड है। अगर आप टोटल ये फंड का फ्लो देख लें और स्कूलों की तादाद में ये सब पीरियड ये कुछ भी नहीं है, तो हम थोड़ा बहुत रैशनलाइज करके बेहतर तरीके से स्कूलों की जो जरूरियात हैं पूरा कर रहे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी हम कर रहे हैं और उसमें हम वाइट वॉश भी करते हैं इनके दूसरे तीसरे। मैंने काफ़ी सारे तस्वीर भी साथियों के साथ मैंने शेयर किए हैं, प्रेस के हमारे दोस्त हैं, कि किस तरीके से मैनेज करके स्कूलों को बेहतर कह रहे हैं। तो उसमें हमारी 2-3 क्राइटेरियाज हमने फिक्स किए हैं, सबसे पहले द मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स, फिर हमारी कोशिश होती है कि गर्ल्स स्कूल्स, और उसके बाद जिसमें बच्चों की तादाद कम है तो उससे जाते हैं। इस तरह हम चीज़ों को प्रोडक्टाइज करते हैं, फंड मिस यूज नहीं होते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि एक तासर दिया जा रहा है मोहन खान साहब के बलूचिस्तान असम्बली में भी काफ़ी शर शोर हुआ है इस पे भर्तियों के हवाले से, एक तासुर है कि एम पी ए वैसे भी इतना बड़ा टेस्ट इंटरव्यू की भी खास जरूरत नहीं पड़ती है, क्या एम पी ए या वज़रा की जानिब से कोई प्रेशर है, कोई नाम दिए गए थे आपको? शुक्रिया। जैसे आपने असेंबली में जो खुद देखा कि वो लोग जो बिल्कुल उन्होंने जो नाम दिए थे उसके मुताबिक नहीं हुए, डी सी साहब ने वही पे जो कमेटी हुआ था मेरिट के मुताबिक जहाँ पे वो हकदार थे उनको पोस्टों पर उनके आर्डर जारी किए। तो अगर उनके लोग लगेंगे तो फिर मेरिट है, अगर उनके लोग नहीं लगेंगे तो फिर मेरिट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक रिक्रूटमेंट कमेटी है, हमारा डीसी उसका चेयर करता है, उसको हमारा ट्रेजरी ऑफिसर मेंबर है, डीओ उसका मेंबर है, दो यहाँ से डायरेक्टरेट से जाते हैं, बिल्कुल ये साफ और शफाफ तरीके से, जहाँ पे आपका फोर क्लास जो जिसने ज़मीन दिया है लेकिन क्या नहीं है, क्योंकि एक फैसला पहले भी आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि उस गांव का, उस इलाके का, उसका लोग वहीं का लगे, ताकि उसका देखभाल भी सही हो और उसको सही में उसका मेंटेन भी हो। शुक्रिया। क्योंकि इस पे
जो यहाँ पे यहाँ इसको हम लेके गए थे कैबिनेट में, कैबिनेट ने एक फैसला किया तकरीबन 50% जो बच्चे पास होंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे उनके पास जो भी उनका सर्टिफिकेट होगा उसके मुताबिक आगे उसको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस पर हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि ताकि जितने बच्चे पास होंगे और उसके बाद फिर भी हम इसको आगे लेके जाएंगे कैबिनेट में और उनका जो मार्क्स है थोड़ा कम करें और नेक्स्ट क्या में जितने बच रहे हैं और फिलहाल जो जितने मेरिट पे आएंगे तो माशाल्लाह वो अच्छे असातिज़ा और अच्छे क्या साबित हो के और हमारे बलूचिस्तान के बच्चों के ताकि सही जो कॉम्पिटेंट जो लोग आ जाएंगे एजुकेशन के हवाले से। और एक अच्छा अगर कोई भी इस वक्त आप मैंने जैसे पहले कहा कि 10% या 15% पास होंगे तो वो मेरे ख़्याल 100 में से अगर 15 बच्चे ऐसे निकलते हैं पास होते हैं शायद वो आगे एजुकेशन में और हमें अच्छे नताइज दे। दो तीन हमारे कोर्सेज थे, एक PTC था, एक CT था, एक EDE था। EDE तो अभी प्रिवेल कर रहा है लेकिन ये PTC और CT जो है ये डिसबैंड हो गए हैं। जो क्वेश्चन पेपर हमने बनाए उसमें इतना सख्त नहीं था, इसको एक तरीके का मैकेनिज्म के तहत हमने बनाया। करिकुलम है हमारा, करिकुलम से ही हमने क्वेश्चन लिए, उसमें तकसीम हमने इस तरह की थी। एक को बोलते हैं कंटेंट्स, कंटेंट्स हमने लिए थे क्लास 6 और 7th और 8th से, और जो पेडागोजी का चैप्टर है वो CTP से CT से जहाँ से हमने लिए। पेडागोजी में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, उसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसमें टीचिंग है, टीचिंग मेथड है, उसमें असेसमेंट है, उसमें इंस्ट्रक्शन के हवाले से और सारे वो थे। वो 25% हमने रखी गालिबन ये मैं गुजर इसको बल्कि हमने वेबसाइट पे भी हमने इसको डिस्प्ले किया था कि यहाँ से इस पोर्शन से इस चैप्टर से आपने तैयारी करना है और इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को। एक्चुअल इशू ये था जो मेरे ख्याल में पिछले 4-5 सालों से लोग रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी और ये कोर्सेज भी डिसबैंड हुए थे ये जो CT और PTC, लेकिन हमारा आदमी है ये कि हमने उनको एंटरटेन करना था। 2013 वाज द लास्ट सेशन, तो इसलिए लोग इन टच नहीं थे, स्टडी से इन टच नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे या पढ़ा नहीं था, उनकी किस्म की तैयारी नहीं थी। दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द कॉजेज। और आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं है, टोटल अगर आप देखेंगे आपको काफ़ी सकूंगा सिलेबस आप देखें, हमने 7th और 8th से लगे हैं, उसमें इतने मैथ है, उसमें साइंस की कुछ चीज़ें हैं, कुछ जनरल नॉलेज के हैं, उसमें कुछ पाकिस्तान स्टडीज़ हैं, कुछ इस्लामिया थे, तो वो बिल्कुल अप टू द मार्क है। इशू वॉज के लोग इन टच नहीं थे, पढ़ाई से इन टच नहीं थे, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। अभी हम मुख्तलिफ एक दफ़ा सारे रिजल्ट हमारे सामने आ जाए फिर पूरा यूनियन कौंसिल वाइज इस पर हम वर्किंग करेंगे, पूरा हम डेटा देखेंगे कि कहाँ कबाहतें थी, कहाँ इश्यूज था, कहाँ प्रॉब्लम था, कितने पोस्ट टोटल फेल होंगे, क्योंकि अभी तक 3 डिवीजन हुए, पूरा रिजल्ट हमारे पास नहीं है। जब 7 डिवीजन का पूरा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यकीनन उसको एनालाइज करेंगे। जो थ्रेश होल्ड हमने रखा था 50% मार्क्स, वो हम यकीनन टू द हाई एप्स को हम भेजेंगे कि जी दिस इज़ द इशू। वो या आया थ्रेश होल्ड को हम 40 पे ले आएंगे या फिर एक दूसरा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमने इसको प्रोसेस को करना है। तो सेक्रेटरी साहब ने तो आपको सारा ये तफसील बताया यार कि CTSP ने इस तरह था कि हम किसी फॉर्म को सिलेक्ट नहीं करते, एक तरीके का है। पहले बिल्डिंग होता है, बगैर हम टेंडर के टेंडर में एक उसके दो प्रपोजल आते हैं, एक फाइनेंशियल एक टेक्निकल। टेक्निकल प्रपोजल में हम पूरे का पूरा इनका बैकग्राउंड देखते हैं कि एक कमेटी के थ्रू ये सारा होता है, प्रोक्योरमेंट कमेटी का, फिर इसका हम फिजिकल देखते हैं कि वो रेट्स क्या दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका टेक्निकल बैकग्राउंड देख के और फिर उनका रेट्स देख के जो लोएस्ट बिडर होता है लेकिन वो बिड भी करता है। और जहाँ तक आपने बात की इतराजात की, पिछले दफ़ा मेरे ख्याल में NTS पे भी तो लोग इतराजात कर रहे हैं, शायद NTS को डिफेम भी किया गया है।
और अभी शायद उसके कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो ये देखें एतराजात को आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को मना नहीं कर सकते हैं कि कोई एतराज है, ये आप खुद मीडिया से बिलोंग करते हैं और यकीन कुछ मीडिया के दोस्त और कुछ वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनके रिजर्वेशन होते हैं, अदरवाइज फाइन। और कुछ आपके मीडिया के दोस्तों ने रिपोर्ट किया है कि बिल्कुल एक सेटिस्फैक्ट्री और एक परफेक्ट किस्म का जो है प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है और सारा जो है प्रोसीजर जितने भी तरीके का है वो सही तरीके से अडॉप्ट किए गए हैं। और बात है कि दोबारा हम इस फॉर्म को करेंगे या नहीं करेंगे ये हम नहीं कह सकते हैं आपको, अगर पोस्टिंग दोबारा एडवर्टाइज होगी तो ये दोबारा री टेंडर होगा। री टेंडर में जितने भी टेस्टिंग सर्विस है वो आके बाकायदा बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी बिड विन करेगा वो खुदा करे एनटीएस हो, खुदा करे सीटीएस हो, पीटीएस हो, उस पर हम किसी को शॉर्टलिस्ट नहीं कर सकेंगे। जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर के तहत जो भी बिड विन करेगा ये ये जो कैंसर हॉस्पिटल हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं शेख जैद हॉस्पिटल में, इंशाल्लाह 15-20 नवंबर के बीच में उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है सीएम साहब वहाँ पर जाके वो सेरेमनी अटेंड करेंगे। आज उसी कैंसर हॉस्पिटल में एक और यूनिट का इजाफा हुआ है जो बच्चे कैंसर के मरीज हैं, चूँकि उस यूनिट में उनका नहीं था तो इंडस हॉस्पिटल के CEO और बोर्ड के दो दौरान आए थे, उन्होंने विजिट की, आज हो गया शेख जैद हॉस्पिटल उन्होंने विजिट भी किया। वहाँ पर जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यानी बच्चों के कैंसर से जो मुतासर बच्चे हैं उनके इलाज के लिए अलहदा से यूनिट उसी कैंसर हॉस्पिटल में अलहदा से जो है ना वो भी कायम किया जा रहे थे। बहुत अच्छा था सर, इसके साथ साथ हम खुश खबरी सुनना चाहते हैं कि जर्नलिस्ट वेलफेयर हाउस है जिसकी रबका बेहतर आ गया वो भी सुना देंगे इंशाल्लाह, तो आपको खुश खबरी यही मिलेगी चाहे जी इंशाल्लाह तमाम सेक्टर से बिल्कुल।